नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में 17 से यानी कि आज से 24 तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सरकार सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुरूपक बजट पेश करेगी और इस तरफ विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी भी कर रखी है। ऐसे में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। योगी सरकार इस दौरान उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियम अध्यादेश 2021, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक पेश कर सकती है। वहीं 18 अगस्त को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 का पहला अनुरूपक बजट पेश करेंगे और माना जा रहा है कि चुनावी साल में अनुरूपक बजट का आकार तकरीबन 50 से 55 हजार करोड़ का हो सकता है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार विधानसभा का यह सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कोरोना काल में लोगों को हो रही मुश्किलों को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर रखी है और इसके अलावा जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं उसे भी सदन में इस बार मुद्दा बनाने की फिराक में विपक्ष जुटा हुआ है। साथ ही किसान की समस्याओं को लेकर और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को सदन में घेरने की तैयारी है। तो आज से बता दें यूपी में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और 17 तारीख से यानी कि आज से 24 अगस्त तक विधानसभा सत्र चलेगा यूपी का और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और लगातार विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से जिस तरह की तस्वीरें यूपी में सामने आई थी उन तस्वीरों को लेकर हो या फिर किसान आंदोलन को लेकर हो, विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। हालांकि कल भी एक सर्वदलीय बैठक की गई थी जिस बैठक में पूरी तरह से विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की थी। वहीं विपक्ष सरकार ने भी अपनी बैठक में कई प्लानिंग की थी और कई तरह से अपने आप को पेश करने के लिए तैयारी की थी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज से यूपी का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में वो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है? सबसे पहले पारुल बताना चाहूंगी कि 17 से 24 फिर ये सत्र चलेगा और जो मानसून सत्र है काफी माना जा रहा है कि हंगामेदार होगा क्योंकि महंगाई, किसान, कोविड कानून व्यवस्था सभी कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे विपक्ष जो है वो हमला बोलने वाली है। हालांकि पहले ही रास्ते तैयारी हो चुकी है क्योंकि सुबह से ही विधानसभा पे लोगों का जमावड़ा आना शुरू हो गया था। कमिश्नर ने रातों रात कल एक ऑर्डर भी पास किया है कि धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पे आसपास कोई भी धरना नहीं दिया जाएगा, 4 आदमी के साथ इकट्ठा नहीं किए जाएंगे, लेकिन हंगामेदार विधानसभा का सत्र है बिल्कुल माना जा रहा है कि शुरुआत होते ही हंगामा देखना लाजमी है। जी रूबी, इस बार कहा जा रहा है कि सत्र के दौरान इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुरूपक बजट भी सरकार पेश करने वाली है, तो बजट में किन किन को ज्यादा ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाएगा? निश्चित तौर पर जो इसकी पहला जो मुद्दा है वो है शिक्षा को लेकर है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरे रह चुके हैं उसको हम पूरा करेंगे। 24 तारीख को इसका ये बजट पेश किया जाएगा, यानी कि सत्र का जिस दिन आखिरी दिन होगा उसी दिन ये बजट को पास कराया जाएगा। तो आज से ही जो तैयारी है विपक्ष ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है कि जो भी इनके अनुपूरक बजट आएगा उसके खिलाफ उनका पूरी तरीके से तैयारी है। माना तो ये भी जा रहा है, मार्शल को तैयारी करा दिया गया है कि अगर सदन के अंदर कहीं से कोई कार्रवाई में विघ्न पड़ता है तो उसके लिए भी सदन को तुरंत ही स्थगित करने के लिए निर्देश दिए थे। जी रूबी, लेकिन जिस तरह से देखिए योगी सरकार ने पहले कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाएगा और वो भी पेश कर दिया जाएगा विधानसभा में, हालांकि किस दिन किया जाएगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन और क्या क्या बिल हो सकते हैं जो सरकार की तरफ से इस बार के विधानसभा सत्र में पेश किए जा सकते हैं? देखिए बजट जो है वो काफी गोपनीय रखा जा रहा है क्योंकि कई बार पूछने पे भी यही पता लगा कि वही जो पेश किया जाएगा उसी के बारे में बताया जाएगा, लेकिन 17 बिंदु ऐसे तैयार किए गए हैं जिसमें वो आज बात की जा सकती है और
2024 को पास कराया जाएगा, जिसमें जनसंख्या से लेके विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, कोविड प्रोटोकॉल में जो उन्होंने काम कराए हैं या आगे क्या करा सकते हैं, या इसके साथ ही साथ इन्होंने जो अधूरे काम रह चुके थे उसको उन्होंने पूरा करवाना है, इसके लिए भी इन्होंने एक बजट पेश करवाया है। तो जो 17 बिंदु तैयार किए गए हैं उसके भी आधार पे 24 तारीख को ये अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा। जी चलिए रूबी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और 24 अगस्त तक ये विधानसभा सत्र चलेगा। ऐसे में पहला वित्तीय अनुरूपक बजट भी पेश होने जा रहा है और माना जा रहा है कि चुनावी साल में अनुरूपक बजट का आकार जो है तकरीबन 50,000 से 55,000 करोड़ का हो सकता है। और ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार ये विधानसभा का सत्र जो है वो होने जा रहा है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। हालांकि सरकार ने भी अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरह से पूरी कर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचाने के लिए पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल देहरादून में रोड शो भी करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आम आदमी पार्टी एक बेहद ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मंगलवार को उत्तराखंड जा रहा हूं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 11 जुलाई को भी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में चार बातों का ऐलान किया था, जिसमें राज्य के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को फ्री बिजली, पुराने बिल माफ और 24 घंटे बिजली की गारंटी दी थी। उनके साथ ऐलान के बाद से ही मुफ्त बिजली को लेकर उत्तराखंड का सियासी माहौल भी गर्मा गया था। केजरीवाल ने एक महीने के बाद दोबारा उत्तराखंड आने का वादा किया था और इसी वादे को पूरा करते हुए आज अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो बता दें आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि इससे एक महीने पहले भी 11 जुलाई को वो उत्तराखंड के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर चार वादे जनता से किए थे और ऐसे में उन्होंने जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया था, 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। ये तमाम वादे थे जो उनकी तरफ से किए गए थे। हालांकि आज बता दें देहरादून में जब वो जाएंगे तो रोड शो भी करेंगे, साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी कल खुद दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मंगलवार को मैं देहरादून के दौरे पर जा रहा हूं और उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए ये घोषणा एक मील का पत्थर भी साबित हुई थी, जो उन्होंने अपने पिछले दौरे के दौरान की थी। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बिल के प्रस्ताव पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है। उन्होंने कहा कि हमने सभी के सुझाव को इस ड्राफ्ट में शामिल करने की कोशिश की है और यही नहीं, उन्होंने कहा कि लोगों को अगर सरकारी योजनाओं का फायदा लेना है तो अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित ही रखना होगा। हालांकि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस ड्राफ्ट के अनुसार 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएगा और ना ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी थी, जिसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो जल्द ही लागू हो सकता है। शामली के कैराना में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा है और दोनों आरोपियों ने युवक को गोली मारी है, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक की हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश माना जा रहा है। आरोपी दोनों युवक रेप के केस में आरोपी हैं और सजा भी भुगत चुके हैं। ऐसे में मृतक युवक का नाम अजय कुमार बताया जा रहा है और परिजनों का कहना है कि दोनों आरोपियों ने गांव की ही एक युवती के साथ रेप किया था और उसी केस की पैरवी मृतक अजय कुमार कर रहा था।
मृतक अजय लड़की पक्ष की तरफ से रेप केस में गवाह बना था और आज दोनों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या आरोपियों के नाम शुभम और शनी है। गांव वालों के मुताबिक दोनों आरोपी फिर लड़की का अपहरण कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके विरोध में लड़की ने शोर मचा दिया और जिसकी आवाज सुनकर मृतक अजय कुमार मौके पर पहुंचा था और दोनों आरोपियों के चंगुल से लड़की को छुड़ाने का उसने प्रयास किया था। उसी दौरान शुभम और शनी ने अजय पर फायरिंग कर दी, जहां पर अजय कुमार को दो गोली लगी और अजय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा कायम किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलाने तक की कार्रवाई की जाएगी। दो गोली मारी है। किसने मारा? एक वो है शुभम ना, ठीक है, और एक शनी है इसका बिंदर का। क्यों मारा, क्या क्या मामला हुआ, क्या रंजिश थी क्या कोई? हाँ जी, रंजिश चल रही है। प्रण है जो मारने वाले हैं वो 376 में मुल्ली में है जी, और वो जो लड़की है पीड़िता वो पूजा करने जा रही थी, उन्होंने उसको उसका अपहरण करने का प्रयास करा, उनने जो शोर मचाया फिर ये लड़का आ गया, इन्हें छुटाने का प्रयास करा, उन्होंने हत्या कर दी। देखिए आज जनपद शामली के थाना कैराना अंतर्गत ग्राम भूरा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस को जैसे सूचना मिली है संबंधित थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी उच्च अधिकारियों के स्तर से मौका मुआयना किया गया, वहाँ से डेड बॉडी को नियमानुसार पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। पीड़ित परिवार मौके पर पहुंच गया था, पीड़ित परिवार के से शिकायत प्राप्त हो रही है, उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत की जाएगी और अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ शामली से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन इस तरह की हत्या लूट और तमाम घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। इससे साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में अपराधियों को कानून या फिर पुलिस या प्रशासन का कोई डर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आरोपी पहले भी रेप केस में सजा काट चुके हैं और उसके बाद भी इन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने एक और युवक की हत्या कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये कराना क्षेत्र के गांव भोरा का मामला है, जहाँ एक युवक है ना खेत में काम कर रहा था, तो दो युवक बाइक सवार आए और खेत पर एक महिला है उसे अपहरण करने का प्रयास करा। महिला के शोर मचाने पर है ना जी, जो आसपास के लोग थे वहां पर काम कर रहे थे, तो जिसमें महिला का ही रिश्तेदार है अजय जी, इसे शोर शराबा होने पर इसने छुआछूत मतलब इनकी कहा सुनी उन्होंने के बाद दो युवक जो थे उन्होंने इसके गोली मार दी। गोली लगने से दो गोली मारी गई जो लगने से इसकी मौत हो गई। सूचना पाकर वहां ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मामला जो अवगत कराया जाता है कि 2020 में जिस युवक के गोली मारी गई है ये गवाह था रेप के मामले में, जो गाँव में ही इस महिला का रेप हुआ था इस मामले में ये गवाह था, गवाह के गोली मारी गई है जी। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरह से देखिए ये मृतक जो है वो गवाह बना था रेप केस का, उसके बाद आरोपियों ने उसी की हत्या कर दी, यानी कि आरोपी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अगर अब कोई यूपी में किसी की भी घटना को लेकर किसी का गवाह बनेगा तो उसको क्या इसी तरह की सजा मिलेगी, क्या कानून जो है वो इस पर कार्रवाई नहीं करेगा, क्या आरोपी खुद कानून अपने हाथों में ले लेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जब पुलिस अधीक्षक से इस विषय में बात हुई तो पुलिस अधीक्षक का कहना था कि है ना पुलिस मौके पर पहुंची है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। दोनों गिरफ्तारियों के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है जी। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि जब प्रशासन लगातार अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करता नजर आता है और लाख वादे करता है, लाख दावे करता है कि यूपी में जो है अपराध अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो प्रशासन पे भी उठता नजर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं जो कराना क्षेत्र ये पड़ता है यहाँ पर रोज जो बदमाश टाइप है गैंगस्टर हैं वो सिलेंडर भी कर रहे हैं, परंतु ये बड़ा बड़ा विषय है कि है ना दिन दहाड़े युवक की गोले मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, अब भगवान भरोसे ही है गिरफ्तारी की।
जी चलिए दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शामली का ये पूरा मामला है जहां पर आरोपियों ने एक युवक की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो एक रेप केस का गवाह बना था और उसने रेप केस में मामले में गवाही दी थी, इसलिए आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी। हालांकि बता दें कि आरोपी पहले भी एक और मामले में सजा काट चुके हैं और कुछ समय बाद जब वो जेल से बाहर आए तो एक युवती के साथ वो छेड़खानी कर रहे थे, उसके साथ जबरन उन्होंने रेप करने की कोशिश की और जब युवक को ये पूरे मामले की पता चला था तो युवक ने इस पूरे मामले में गवाही दी तो उसकी सजा उस युवक को यही मिली कि आरोपियों ने उस युवक की भी हत्या कर दी। लालकुआ के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बीते एक महीने से लोगों के घरों में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद भी जल संस्थान ने इस ओर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, या यूं कहें कि जल संस्थान के अधिकारी बेखबर ही बैठे हुए हैं। इधर लोगों की शिकायत पर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने तुरंत ही जल संस्थान के अधिकारियों को फोन कर लोगों को हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए पाइपलाइन बदलने के लिए निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि लालकुआ के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बीते एक महीने से ज्यादा दिनों से लोगों के घरों में नल से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था। इस पानी का इस्तेमाल लोग पीना तो दूर अन्य उपयोग में भी नहीं ले रहे थे और अगर पानी से लोग नहाते हैं तो शरीर से बदबू आने लगती है जिससे लोग काफी परेशान थे। वहीं लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी जल संस्थान के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वहीं इधर लोगों की शिकायत पर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत ही जल संस्थान के अधिकारी को फोन पर मामले से अवगत कराया और जल्द से जल्द पाइपलाइन बदलकर पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश भी दिए। अब पानी गंदा आ रहा है, लाश वाली गली में बहुत गंदे पानी आ रहा है। जय साहब शिकायत भी करी मैंने, दो चार बार कहा कि तिवार के दो महीने और बच्चे बीमार हो जा रहे, पी रहे हैं, धोके हेडपंप पानी भर के ला रहा हूँ और आके देख के चले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी चाहे वो कितना गरीब हो अमीर हो, सबको साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा खाना सबको चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है जल संस्थान की। आज मेरे पास शिकायत आई थी, मैं पहुंचा और मैंने अभी जेई साहब से बात करी है, वो कह रहे हैं कल या परसों, जब वो पहले तो बातें बना रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं कल परसों से लाइन का पूरी बदलने का काम शुरू कर रहा हूँ। तो सरकार ने तो पहले ही पैसे दे रखे हैं, पूरा पुनर्गठन का कार्य दे रखा है, इन लोगों की लापरवाही रहती होगी। तो अब मैंने कहा इसको तत्काल करिए, तो कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल 5 महीनों बाद सबसे कम कोरोना केस सामने आए हैं और ऐसे में मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े जारी किए गए जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 25,167 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं जबकि 437 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 15 मार्च को 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं देश भर में अब पिछले 24 घंटों में 36,830 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 12,101 एक्टिव केस कम हो गए हैं। ऐसे में भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और 5 महीनों बाद सबसे कम कोरोना केस सामने आए हैं। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े जारी किए गए जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 25,167 नए कोरोना केस आए हैं जबकि 437 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 15 मार्च को 24,000 मामले सामने आए थे। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,830 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि कल 12,101 एक्टिव केस कम हुए हैं। तो बता दें बीते कई महीनों बाद ये कोरोना के मामले भारत में सबसे कम आए हैं और भारी गिरावट कोरोना मामलों में देखी गई है। 24,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं, हालांकि इससे पहले मार्च के महीने में आए थे इतने मामले। उसके बाद से ही लगातार कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे थे लेकिन एक बार फिर अब
कई महीनों बाद मार्च के बाद अब कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है और 25,000 मामले कोरोना के सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 437 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं डेल्टा वेरिएंट का खौफ भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में राज्य में सोमवार को डेल्टा वेरिएंट के 10 नए मरीज सामने आए हैं। नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई है और इनमें 6 मरीज कोल्हापुर से जबकि रत्नागिरी से 3 और सिंधुदुर्ग से 1 मामला सामने आया है। इस दौरान राज्य में डेल्टा वेरिएंट से 5 लोगों की जान भी गई है। वहीं राज्य में बता दें डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित 76 मरीज सामने आए हैं, उनमें 10 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी जबकि 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की सिंगल डोज लगवाई थी और इन मरीजों में 39 महिला हैं जबकि 9 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। वहीं डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित 39 मरीजों की उम्र 19 साल से लेकर 45 साल के बीच है। वहीं 19 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 46 साल से 60 साल के बीच में बताई जा रही है जबकि 9 लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है। ऐसे में राज्य के स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप अवाटे ने बताया कि 37 लोगों में माइल्ड संक्रमण पाया गया है और डेल्टा वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र ने जांच और तेज कर दी है। वहीं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की ओर से 10,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कासगंज के गंज डुंडवारा थाना क्षेत्र का है जहां पर प्रेम संबंधों के चलते प्रेमी युवक को दबंगों ने घर में बंधक बनाकर तालिबानी सजा दे डाली। दरअसल दबंगों ने प्रेमी को बेरहमी से पीटा और इसी के साथ दबंगों ने युवक को भी कमरे में बंधक बनाकर गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की। वहीं आरोपियों के चंगुल से छूटे युवक ने दबंगों पर आरोप लगाते हुए पुलिस से जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की बहन से प्रेम संबंध के चलते हुई दबंगों से इस घटना को दबंगों ने अंजाम दिया था। वहीं पुलिस अब दबंगों की तलाश में जुट गई है। तो बता दें दबंगों का आतंक लगातार जारी है और ऐसे में लाठी डंडों से प्रेमी की दबंगों ने पिटाई की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।